आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है ख्वाहिशों की खिड़की। 10x10 के कमरे में लगी 3x3 की एक छोटी सी खिड़की से मुंबई नगरी की रात की चकाचौंध साफ साफ छलक रही थी। ये खिड़की किसी पोस्टकार्ड की तरह 3x3 के फ्रेम में पूरी मुंबई को समाई हुई थी। एक छोटा सा ग्रिल खिड़की के फ्रेम पे लगा था। ग्रिल के उस तरफ पूरा शहर था और ग्रिल के इस तरफ अपनी दो खूबसूरत सी आंखें टिकाई हुई लड़की ये सोच रही थी कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कितने सपने बसते होंगे, कितनी ख्वाहिशें हर रात बैठकर सूरज के उगने का इंतजार करती होंगी। सही तो कहते हैं ना कि मुंबई सपनों की नगरी है, फिर चाहे वो सपने वो हों जो पूरे होते हैं या वो जो अधूरे होते हैं। ए बिल्लो चल टाइम हो गया, लेट हो जाएंगे। एक लड़की की आवाज ने बिल्लो को मानो गहरी नींद से जगा दिया हो। बिल्लो मूनलाइट बार की 4 साल से स्टार डांसर रही है, जो शाम ढलते ही अपने चमकीले अंदाज में कई अकेले पड़े शहर के लोगों का इकलौता सहारा होती है। हर शाम कई टूटे दिल और लड़खड़ाते पैर मूनलाइट बार के टेबल्स पे बिल्लो को देखने के इंतजार में होते हैं। हर शाम 7 से 11 बिल्लो अपने चेहरे पे स्माइल चिपकाए लोगों का दिल बहलाती है और हर शाम 11 बजे के बाद वो सारी जिंदगियां फिर से अकेलेपन की चादर ओढ़े सो जाती हैं। बिल्लो थक हार के वापस अपने 10x10 की दुनिया में आकर उसी 3x3 की खिड़की पे मुंबई को देखती रहती है, जैसे ख्वाहिश हो कि इस शहर को मुट्ठी में कर ले। बिल्लो भी अपना मेकअप उतार ही रही थी कि सामने रखा मोबाइल फ़ोन बजा। माँ का फ़ोन था। बिल्लो के चेहरे पे अब वो चिपकाई हुई स्माइल नहीं थी, बल्कि रियल वाली स्माइल थी। हाँ अम्मी कैसे हैं आप? बिल्लो ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से पूछा। वो माँ जो अभी तक ये नहीं जानती थी कि बिल्लो एक बार डांसर है। घर वालों के लिए तो वो डिज़ाइनर बिल्किस बानो है। ये तो दुनियादारी के लिए वो एक मुखौटा पहने हुए हैं जो रंगीन था और जिसे लोग बिल्लो के नाम से जानते थे, पर बिल्लो के पीछे की बिल्किस बानो को कोई नहीं जानता था या किसी ने जानने की कभी परवाह ही नहीं की। बिल्लो को शर्म महसूस होती थी अपनी बुजुर्ग माँ को और अपनी 2 छोटी बहनों को ये बताने में कि वो एक दोहरी जिंदगी जी रही है। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किस्से कहानियाँ आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं।